अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब अली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू। लास्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कलेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, सिंगल को हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, सॉरी माइटोकॉरियन, जबकि कलेक्शन ऑफ माइटोकॉरियन इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? अब माइटोकॉन्ड्रियन इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में, कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक जितने भी सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। जैसे कि प्लांट सेल की बात करें हम, एनिमल सेल की बात करें, फंजाई की बात करें, तो इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये भी किसका बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड के लेयर्स होते हैं, टू लेयर्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। ठीक है, देयर इज एन आउटर मेम्ब्रेन। दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। इस डायग्राम से हम समझते हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जबकि येलोइश जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ठीक है, एंड इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मैनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे विच कंटेन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अच्छा, इसके अंदर जो है ना फ्लूइड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? फ्लूइड मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो ये फोल्ड्स है ना, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे ये आउटर पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये फोल्ड है, ठीक है, इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का काम क्या होता है? ये क्या कर रहा होता है? सिंथेसिस क्या कर रहा होता है? स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, क्या सिंथेसिस कर रहा होता है? एटीपी। अच्छा, एटीपी क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इज़ दी साइट, ये वो सेंटर है जहाँ पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी में जो है मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल में, ठीक है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, और इससे जो है क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी स्टोर्ड होती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी जो है स्टोर्ड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर विदाउट ऑक्सीजन होगा रिस्पायरेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मैंने बताया। ठीक है, एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो स्टोर्ड किस फॉर्म में हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी वजह से हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को?
पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, हमारी तमाम सेल्स को, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है उसको हम पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, एनर्जी आ रही है उसको हम पावर हाउस कह रहे हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के, हमारे सेल्स के ऑर्गेनल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज जो है एनर्जी रिलीज कर रही होती है, ब्रेक डाउन हो रही होती है। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है इस बात पे, ठीक है, कि डाइजेशन में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की बात करें, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, कैटाबोलाइज होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये ग्लूकोज में हो जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक डाइजेशन का प्रोसेस है। अब जो है इससे ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे क्या रिलीज हो रही होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और वो स्टोर्ड किस फॉर्म में हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में रिस्पायरेशन का ये प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स। ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है एंजाइम्स मौजूद होते हैं, क्या एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इन एंजाइम्स का जो है अपना एक वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्म होता है, क्रैब्स साइकिल होता है, और इसके जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक चैन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ईटीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, एटीपी फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, एटीपी को फॉर्म करना, एटीपी वो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स। यहाँ पे जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, एटीपी को सिंथेसाइज करना। एक लास्ट पॉइंट है, अच्छा, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ यूटिलाइज हो रहा होता है, हमारी बॉडी में ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाके यूटिलाइज हो रहा होता है। ऑक्सीजन का काम ये होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, जब ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी हमारी बॉडी को मिल रही होती है, ठीक है। तो यूटिलाइज जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।